हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक में है स्टैंडर्ड डेविजन का कैलकुलेशन, तो विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एक्सेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविजन, हमने पहले इसमें स्टैंडर्ड डेविजन भी कैलकुलेट किया था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। एस इज इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविजन हमेशा निकलेगा टेन वैल्यू पे। तो वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2, 3, 2, 6, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले इनका निकालना है मीन। इनका मीन निकाल लेते हैं, कितना होगा मीन निकलेगा इनका, ये जोड़ के होगा 30। 30 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 3। ये है इनका मीन। तो अभी देखिए ये सिग्मा लगा हुआ है, तो एस इज इक्वल टू रूट के अंदर लिखना है सिग्मा, मतलब क्या होगा इनका सबका जोड़। एक्स क्या था हमारा, इंडिविजुअल स्कोर। एम क्या है, मीन। एक्स है इंडिविजुअल स्कोर और एम है मीन। तो एक्स देखते हैं, एक्स क्या है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सिग्मा है तो प्लस। इसके बाद एक्स क्या है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कितना है नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी 10। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ये देखते हैं 2 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 3 0, 0 का होल स्क्वायर 0। 2 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 1 का 2 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 3 0, 0 प्लस 4 माइनस 1 का 1, 1 आ जाएगा 2 माइनस 3 का 1, 1 प्लस 4 माइनस 3 का 1 प्लस 2 माइनस 3 का कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 9। ये देखते हैं कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 9 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 9 तो कितना आ जाएगा 1.77 रूट के अंदर। इसको रूट से बाहर लेंगे कितना हो जाएगा 1.33333। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है इसका प्रोसीजर कैलकुलेशन करने का। तो ये आई होप समझ में आया होगा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।